कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस में गुस्सा बरकरार है। लगातार सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ को लेकर उदयपुर में कांग्रेस ने मंगलवार को फिर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है। नेताओं का कहना है कि बिना तथ्य सबूतों के मनगढ़ंत आरोप लगाकर नेताओं को परेशान किया जा रहा है। उदयपुर में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। कांग्रेस का कहना है ये सरकार जिस तरह के हथकंडे अपना रही है वो ठीक नहीं है। शहर अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि आम आदमी को यह सरकार जीने नहीं देना चाहती, महंगाई चरम सीमा पर है, इनके खिलाफ कोई बोले तो बोलने नहीं दिया जाता। सोनिया और राहुल गांधी इनकी सच्चाई बताते हैं तो उनके ऊपर ईडी के छापे मारे जाते हैं। गांधी परिवार ने देश में कुर्बानी दी है। शर्मा ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस साथ खड़ी है। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरेश रिमाली ने कहा कि केंद्र सरकार की गुंडागर्दी और तानाशाह के खिलाफ यह प्रदर्शन है। अगर राहुल गांधी का बाल भी बांका हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आएंगे और जेलें भर देंगे। कांग्रेस के प्रदर्शन में डीसीसी अध्यक्ष गोपाल शर्मा, पंकज शर्मा, दिनेश रिमाली, सुरेश रिमाली, ब्लॉक अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, रोहित पालीवाल सहित कई कांग्रेसी पार्षद और नेता शामिल रहे। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।